हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त साई टेक्निकल। आज मैं लेकर एक नया वीडियो। ये वीडियो में मैं बताऊंगा आपको अपने चैनल आर्ट के लिए परफेक्ट साइज कैसे मिले और उसको एडिट कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बताऊंगा एडिट इन फोटोशॉप। आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ये चैनल आर्ट टेम्पलेट्स करके एक फाइल एक जिप फाइल मिलेगी। इसको विनजिप से आप ओपन कीजिए। फिर यहाँ पे दो फाइल है, पीएनजी और पीएसडी। पीएसडी बेसिकली फोटोशॉप का एक्सटेंशन है और फोटोशॉप के लिए मैं पहले बता रहा हूँ फोटोशॉप जिसको यूज करना आता है। तो यहाँ पे आप पहले लेयर पे क्लिक कर दीजिए। क्या क्या है मैं बताना चाहता हूँ। स्पेक हाइट इज लेयर, इसमें जो चैनल आर्ट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, साइज दिया है, वो सब इसमें क्लिक। इसको आप डिलीट ना मत कीजिए, इसको वीडियो के एंड में हमें डिलीट करना है। तो ये सब टेक्स्ट एंड लोगो से फिर से लिखा है। तो पहले आप डी में जाइए, कोई भी इमेज आपको चूज करनी है। नहीं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे करें। ये है अपने मोबाइल के लिए और वो है अपने टैबलेट के लिए साइज, और वो फुल डेस्कटॉप में कैसे दिखे उसके लिए। तो पहले आपको जो कोई भी इमेज जो पसंद है अपने चैनल आर्ट पे आप रखना चाहते हो उसके साथ ड्रैग कर दीजिए। और आपको ड्रैग करना नहीं आता तो कंट्रोल ओ प्रेस करके जो फाइल आपको चूज करना है चूज कर लीजिए। फिर कंट्रोल टी प्रेस करके आप इसका साइज एनहेंस कर सकते हैं। तो कंट्रोल टी प्रेस करने मोबाइल तक मैंने रखा है। पहले मैं आपको दिखा शो कर देता हूँ कैसा मोबाइल में कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे आपको इस पर प्लेस करना है, फिर एरो बटन ले उस पर क्लिक कर देना है तो प्लेस द फाइल आ जाएगा। पर इसको बेसिकली हम पूरा टैबलेट तक रखेंगे क्योंकि टैबलेट तक फोन में अच्छा दिखेगा वो, वरना बीच में एक साइड में लेयर तो उसको वापस से कंट्रोल टी प्रेस करके हम दोनों साइड से एनहेंस कर देंगे टैबलेट तक। फिर एरो प्रेस करके प्लेस द फाइल। फिर उसके बाद हम अपने चैनल का एक लोगो चूज करेंगे जो आपने लोगो बनाया रहेगा, वो लोगो को ऐसे ड्रैग कर दीजिए। अगर आपको ड्रैग करना नहीं आता तो कंट्रोल ओ प्रेस करके भी कर सकते हैं। तो हमको एक नया लेयर में आया, तो हमने पूरा बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा छोटा सा लोगो चाहिए कि चैनल आर्ट में बहुत कम जगह रहती है बोलने, हमें लिखना भी है वहाँ पे कुछ। हम लोगो को थोड़ा और क्रॉप करके डाल रहे, हमने कंट्रोल टी प्रेस करके फिर माउस से उसको छोटा कर दिया है। तो यहाँ पे मेरा चैनल का लोगो हो गया है। फिर हॉरिजॉन्टल टाइप मार्क्स टूल पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको कोई भी टैगलाइन लिखना है अपने चैनल का। मैंने क्या लिखा, ऑल टेक न्यूज एट योर होम लिखा है। उसे नया लेयर में ले लीजिए। उसके बाद हमें एरो प्लस करना है। उसके बाद एक वापस एक नया लेयर पे इसको लेना है। मैंने नए लेयर इसलिए मैंने अभी लिया नया लेयर। फिर आपको पेंट बकेट टूल में जाके ब्लैक इस पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका बेसिकली ब्लैक हो गया। फिर आपका साइज है ना मोबाइल के अंदर ही तक रखना है आपको, वरना मोबाइल और मोबाइल में आप यूज तो टैबलेट तक जाएगा वो, तो फिर आपके फोन में आधा पूरा आने पे। फिर आपको आउटर ग्लो पे क्लेस करना है, एफ एक्स करके पे क्लिक करके आउटर ग्लो पे जाना है। यहाँ पे येलो ही कलर सेलेक्ट करना है, उसका ऑपेसिटी 100, साइज आपको जैसा पसंद जो ड्रॉप शेयर आउटर ग्लो जितना आपको चाहिए आप उतना रख सकते हैं। ये हमारा हो गया और टेक न्यूज एट योर होम। फिर आपको वापस अपने फाइल में जाना है। जहाँ पे आपकी इमेज फाइल से वहाँ पे से आप कोई भी इमेज वापस आपसे ड्रैग कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद आप चाहे यूज कर सकते। मैं ये लेना चाहूँगा सीनरी, इसका हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें इसका बॉक्स यूज करना है बैकग्राउंड थोड़ा सा। तो इसको मैंने क्लिक किया और वहाँ पे लेके गया। पहले मैंने इसको यहाँ पे लगा के देख रहे कैसे रहे, कंट्रोल टी प्रेस कीजिए। फिर इसको साइज आप यूज कर सकते हैं, कौन सा साइज आपको कितना चाहिए। प्लेस द फाइल। फिर आप फिर से आप कंट्रोल जे प्रेस करें तो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो उसको फिर आप एरो बटन से पूरा यहाँ तक ड्रैग कर सकते हैं। फिर वापस आपको हॉरिजॉन्टल मार्क्स टूल पे जाना है और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट, या आपको कुछ मैं लिख रहा हूँ प्लीज लाइक। फिर आप नया लेयर पे इसको ले लीजिए क्या पूरा, फिर नया लेयर पे आप इसका साइज भी इसको अच्छे से एडजस्ट करके हम नया लेयर लेते हैं। इससे वहाँ पे लीजिए, फिर कंट्रोल टी प्रेस कीजिए। आप कंट्रोल टी प्रेस कर फिर आप साइज को छोटा कर दीजिए। ये पीसी व्यू के लिए बेसिकली प्लीज लाइक ऐसा जो लिखा जा रहा है साइड में वो सिर्फ पीसी वाले लोग को दिखेगा, ये फोन्स में नहीं दिख पाएंगे। फिर आपको वापस से एक नया ये वापस से आपको कुछ नया टेक्स्ट लिखना है एंड एंड सब्सक्राइब। बेसिकली हम सब्सक्राइब का बटन यूज करें, सब्सक्राइब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं चेंज कर रहा हूँ।
एंड को आप छोटा ये कंट्रोल टी प्रेस करके एंड बीच में रखे, फिर फाइल में जाइए। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना आइकन्स के बारे में डिस्कशन दे दूंगा, तो सब्सक्राइब का आपको ये इसको ड्रैग करना है नीचे, या कंट्रोल ओ प्रेस करके कोई भी आप यूज कर सकते। सो हमें अलग बनाना है, इसे शॉर्ट में कीजिए, इतना ही चाहिए हमें, पूरा नहीं चाहिए। इसे हम ड्रैग कर लेंगे एरो पे प्रेस करके, हाँ यहाँ पे हम रख देंगे। ओके तो प्रेस कर दीजिए, फिर कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, इसको साइज से आप छोटा करें जितना आपको चाहिए अपने वीडियो के लिए, आप उतना रख सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब, फिर वापस से हम अभी क्लिक का आइकॉन यूज़ करेंगे। आइकॉन को वीडियो फोटोशॉप में ड्रैग कर लेंगे हम, उसको यहाँ प्लेस कर देंगे। साइज बहुत बड़ा आएगा तो आप कंट्रोल टी प्रेस उसको साइज को एकदम छोटा करना है कि सब्सक्राइब की तरह क्लिक लगे। इसको और छोटा कर सकते हैं आप, जितना आपको छोटा पसंद है आप उतना कीजिए। से प्लेस द फाइल कीजिए, उसके बाद फिर एफएक्स में जाइए आप, आउटर ग्लो पे क्लिक कीजिए। साइज आपको जितना अच्छे से प्रेस कीजिए, क्योंकि उससे एनहेंस लगता है, वो एक 3D आर्ट की तरह हो जाता है, तो अच्छा लगता है वो क्लिक का बटन देखने में। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं सोच रहा हूँ तो ये इमेज को चेंज कर दूँ ना, वो उतना एनहेंस नहीं लग रहा है। तो वापस से जाइए लोकल अपने इमेज फाइल में, जो भी आपको इमेज पसंद है वो इमेज ले लीजिए। मैं बेसिकली ना ये भी नहीं ये भी नहीं, कौन सा लू, चलिए ऊपर जाके देखते हैं कौन सा, नहीं लायन ना, हाँ ये लेते हैं हम। तो यहाँ पर ट्राई कर दीजिए, हमने वापस से क्लिक किया, बहुत ज़्यादा भर गया था हमारे फोटोशॉप में इमेजेस, तो हमने इसको लिया। फिर इसको हमने सिलेक्ट टूल से सिलेक्ट किया साइज को, फिर से कंट्रोल टी प्रेस करके हम इसका साइज एनहेंस कर देंगे जितना हमें उतना वीडियो के लिए चाहिए। हाँ ये प्लेस हो गया फाइल से, फिर एरो को प्रेस कर दीजिए, हो गया आपका चैनल आर्ट बन गया है। अब आप उसमें कुछ भी और ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं, आपको कुछ और आइकन्स डालना डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद आप उसमें ऐड कीजिए। पीछे स्पेक्स हाइड दिस लेयर को डिलीट कर दीजिए, जितने भी लिखे हुए टेक्स्ट है सब हट जाएंगे, फिर आपके चैनल आर्ट को आप रख सकते हैं डायरेक्ट। फिर कंट्रोल फाइल में जाके सेव एज, आपको यह JPEG को सिलेक्ट करना है, और किधर भी आप जिस फाइल में चाहे उसमें सेव कर दीजिए। सेव बटन पे क्लिक कीजिए, क्वालिटी मैक्सिमम लेस, योर वीडियो इज डन, योर चैनल आर्ट हैज बीन क्रिएटेड। अब एडिट इन पेंट, जिसे फोटोशॉप नहीं आता उसको हम पेंट पे बताएंगे कैसे आप एडिट कर सकते हैं। चैनल आर्ट पे आप वापस टेम्पलेट्स पे जाइए, यहाँ पे PNG करके फाइल मिल जाए, उसको एडिट पे क्लिक कीजिए। तो ये आपका बेसिकली पेंट में खुल गया, उसका साइज को आप छोटा कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पेंट बकेट टूल यूज करना है, जो भी कलर आपको पसंद आप उसमें ऐड कीजिए, मोबाइल के लिए टैबलेट के लिए जो भी आपको यूज करना है उसके लिए यूज कीजिए। ये टेक्स्ट एंड लोगो सेव फिर को इधर मैं इरेज करना करूंगा, यहाँ पे इरेज करने में थोड़ा तो टाइम जाता है, इरेज कर लीजिए आप। पूरा इरेज करना है हमें, वो पिक्सल साइज्ड है और जो भी लिखा है टेक्स्ट वो सब इरेज करना है, ऊपर के नहीं, जो भी हमारे चैनल आर्ट के अंदर है उसको इरेज करना है, ऊपर के इरेज करने की जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। हम इससे इसको इरेज करेंगे, हाँ तो ये हमारा पूरा इरेज हो गया। तो वापस आपको अभी पेंट बकेट टूल लेना है, जो कलर था वही बैकग्राउंड में क्लिक कीजिए, और आपको कोई भी डॉट जैसा दिख रहा है तो आप इसको वीडियो बड़ा कीजिए और इसे क्लिक कीजिए डॉट के ऊपर, एग्जैक्ट पे जितना बड़ा चाहिए आप उतना करिए, और उस पर डॉट पे क्लिक कर दीजिए तो वो हट जाएगा आपके वीडियो से। तो वापस से आप साइज को छोटा कर दीजिए हमारे एडिट करने के लायक, फिर हम बाकी डेस्कटॉप और उस पर टैबलेट पे भी एडिट कर देंगे। फिर हम ऐसे आर्ट पे जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, साइज टेक्निकल साइज बेसिकली छोटा रहा है तो साइज को हमें बढ़ाना पड़ेगा, साथ आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं 28 29, जो भी कलर आपको चाहिए आप लिख सकते हैं। बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन इटैलिक कैंसल लोगो, वो सब भी आप टेक्स्ट यूज करके इसको एडिट कर सकते हैं। जो साइज और बड़ा करना करना, अरे मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मैं सेलेक्ट करके इसे बोल्ड और थोड़ा और बड़ा करना चाहता हूँ।
जो भी बड़ा आप कर लीजिए, मुझे बेसिकली वो है निकल हो गया, वैसे भी आप समझ जाएंगे कि करना क्या है आपको। विशेष सेव पे आपके क्लिक कर दीजिए तो आपके फोटो सेव हो जाएगी, कंट्रोल एस करके प्रेस करके वीडियो अपनी सेव कर सकते थे, तो बेसिकली आपकी वीडियो सेव हो गई है। अब इसमें और भी आप कुछ कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आपसे आपको इधर चैनल में अपना सिग्नेचर देना, सिग्नेचर भी दे सकते हैं, सिग्नेचर के लिए पेंसिल बटन यूज कीजिए, अपने वीडियो में आप अपनी सिग्नेचर भी दे सकते हैं। अब इसे इतना अच्छा नहीं लग रहा है वो, आपकी मर्जी, आप इरेज यूज करना चाहते हैं, मैं इरेज कर दे रहा हूँ उसको। रिसाइज है, रोटेट है, आप इमेज है ड्रैग कर सकते हैं इसमें भी, सेम वैसे आपको ड्रैग करना और यहाँ पे क्रॉप कर देना इमेज को। वैसे अभी वीडियो तो सेव हो गई कंट्रोल एस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज गाइस सब्सक्राइब माई चैनल।